फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ये माइक्रोवेव हमारे पास आया हुआ है आईएफबी का मॉडल है ये 20BC3, जिसको आज हम रिपेयर करेंगे। इसमें क्या है कि कस्टमर का बोलना है कि ये गर्म नहीं कर रहा है, हीटअप नहीं हो रहा है इसका। तो देखते हैं कि गर्म ना होने की वजह से इसमें क्या क्या समस्याएँ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आई हैं। क्योंकि वैसे ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आती है वो मैग्नेट्रॉन की रहती है, कभी कुछ फ्यूज खराब हो जाते हैं, लेकिन आज हम इसमें फाइंड करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आई हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसको खोल लेते हैं, उसके बाद आपको एक एक वन बाई वन पार्ट्स को करके चेक करके बताते हैं। हेड में स्क्रू होते हैं जिनको हमने पहले से ही खोल रखा है। चलो फ्रेंड्स, फिर हम इसको रिपेयर करने के लिए इसको खोलते हैं। ठीक है, आइए। स्क्रू हमने इसके पहले से खोल रखे हैं, यहाँ से हल्का सा पुश करेंगे पीछे के लिए और इसको ऐसे ऊपर करके हटा देंगे। अभी देखते हैं हम इसमें, हमारा जो मेन पार्ट रहता है इसका वो है ये मैग्नेट्रॉन। ये आईएफबी का है और इसमें हमारी जो मेन प्रॉब्लम्स रहती हैं, यहाँ फ्यूज़ होता है एक, जिससे कि हीटअप में प्रॉब्लम आती है। दूसरा एक फ्यूज ये होता है जो मेन होता है, ठीक है। इससे अगर ये ख़राब होगा तो पूरे माइक्रोवेव में सप्लाई नहीं आएगी, डिस्प्ले भी नहीं चलेगा। दूसरा ये डायोड ख़राब हो सकता है, ये कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है जो कि 1.15 माइक्रोफेरेड का होता है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम एक एक करके सब हर चीज़ को चेक करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम होगी हमें। चलिए फ्रेंड्स, पहले हम इसके फ्यूज़ को चेक कर लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी टेस्टर से इसके फ्यूज़ को हम चेक करेंगे। पहला फ्यूज़ हमारा मेन का है, ये अभी हमारी इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, देखिए रेड जल रहा है ना, इसका मतलब हमारा ये वाला फ्यूज़ ठीक है। फिर हम कंटिन्यूटी से अभी हम पहले फ्यूज़ चेक करेंगे। ये फ्यूज़ के दोनों सिरों पर हमने लगाया, ये हमारा कंटिन्यूटी मीटर जो है फ्यूज़ को सही बता रहा है, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे ओएलपी यानी कि ओवरलोड प्रोटेक्टर, ये भी हमारा एकदम सही बता रहा है। देखिए, इसको चेक करने का सही तरीका जो रहता है वो एक पिन को निकालने के बाद ही रहता है, एक पिन को निकालने के बाद अच्छा तरीका रहता है चेक करने के लिए, ये भी सही बता रहा है। दूसरा ये है, ये भी ठीक बता रहा है, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं इसका नीचे वाला फ्यूज। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम निकाल लेते हैं। एक फ्यूज ये रहता है हमारा, इसको हम यहाँ से ऐसे पुश करके हल्का सा दो हिस्सों में खोलेंगे। ये फ्यूज़ होता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा फ्यूज सही है, इसका मतलब अभी हमें यहाँ तक हमारी लाइन एकदम, हमारा सर्किट ओके है और अभी हमें यहाँ तक कोई भी इशू नहीं है। अब जो हमारा इफेक्टिव है कि हमें चेक करना होगा कि हमारा ये ठीक है या नहीं है कैपेसिटर। चलिए तो इसको खोल लेते हैं पहले, इसमें एक लॉक होता है, इसको लॉक को निकाल लेते हैं ताकि आराम से कोई इशू ना हो। हमने एक सिंगल वायर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम टेस्टर से इसको चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई ओपन सर्किट नहीं है इसमें, मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर ठीक है एकदम। अगर यही ऐसे शॉर्ट होता, लाइट जलती, तो ये कैपेसिटर खराब होता, खराब माना जाता। तो हम वापस डायोड का कनेक्शन लगाएंगे, पहले डायोड को भी एक बार चेक कर लेते हैं। डायोड हमारा बॉडी से ग्राउंड होता है, डायोड को हम चेक करते हैं। देखिए, डायोड भी हमारा सही है। देखिए फ्रेंड्स, डायोड हमारा ठीक है, इसके कनेक्शन अब हम कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा बचता है वो है हमारा मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन की दोनों वायर हम नीचे निकालेंगे, बड़े आराम से निकालेंगे ये दोनों वायर। उसके बाद हमें जो चेक करना होता है वो ये कि मैग्नेट्रॉन के दोनों पॉइंट पर एक वायर यहाँ और एक वायर यहाँ पर लगाने के बाद में हम चेक करेंगे। तो ये हमारा कंटिन्यू टेस्टर से दिखा रहा है कि हाँ मैग्नेट्रॉन ठीक है, बट कई सारी कंडीशन होती है इसे चेक करने की। एक सिरे के साथ बॉडी लगाने पर अगर ये दिखा रहा है तो अगर जलेगा, लाइट जलेगी तो खराब है, नहीं तो नहीं है। दूसरे पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं, ये ठीक बता रहा है लेकिन फिर भी ये गर्म नहीं कर रहा है। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें मैग्नेट्रॉन के जो पॉइंट होते हैं जिससे हम मापते हैं कि ये खराब है या नहीं, उससे उसके बाद भी हमें ये पता चल जाता है कि ये खराब है या नहीं। चलिए तो फिर हम इसको एक बार मैग्नेट्रॉन को निकालते हैं और उसके बाद दूसरा लगा करके चेक करते हैं।
हीट सिंक होती है ये, और ये दो मैग्नेट होती हैं, एक ऊपर एक नीचे, और अंदर इसकी ट्यूब होती है, कॉपर ट्यूब, ठीक है। और ये इसका एसी इन प्लग होता है, सॉरी डीसी इन प्लग, और बाकी ये ट्यूब कैप होता है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर एक चलिए इसकी कुछ टेस्टिंग कर लेते हैं। ये मैग्नेट्रॉन जो हमने अभी माइक्रोवेव से निकाला है, ये तो शॉर्ट दिखा रहा है, इसका मतलब ये सही है। ग्राउंड बॉडी से हम चेक करते हैं तो ये नहीं दिखा रहा है कुछ भी रीडिंग। अगर ये अर्थ लीकेज होता है तो यहाँ कुछ ना कुछ शो करता है, लेकिन अभी रीडिंग नहीं आ रही है कोई भी, ठीक है। तो ये जो टेस्टिंग इसके पॉइंट्स होते हैं उनके हिसाब से तो ठीक है, बट ये फिर भी गर्म नहीं कर रहे हैं। बाकी हम सारा कुछ चेक कर चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक नया हम लोग मैग्नेट्रॉन लगा के देख लेते हैं। अभी हमने एक नया मैग्नेट्रॉन मंगवाया है, इसको हम सेम मॉडल का है, ठीक है। उसको अब अभी हम इंस्टॉल करते हैं और फिर देखते हैं कि गर्म हो रहा है या नहीं है। फ्रेंड्स चलिए एक बार इसकी भी थोड़ी टेस्टिंग कर लेते हैं, ये क्या बोलता है थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स, 0-0 रीडिंग आ रही है और बॉडी से कोई अर्थ लीकेज नहीं है, सेम कंडीशन है इसकी भी उसकी भी। तो एक बार इसको भी हम चला के देख लेते हैं क्या होता है। जो मैग्नेट्रॉन से निकलेंगी, ठीक है, वो बहुत ही खतरनाक होती हैं और हमारे बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह कर सकती हैं, हमारी जान भी जा सकती है इसमें। तो घर पर ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करें, ठीक है। मैं भी ये नहीं कह सकता मिस्टर इंडियन हैकर की तरह कि मैं टाइटेनियम हूँ, क्योंकि ये किसी के साथ खेल नहीं हो सकता। इसलिए फुल सेफ्टी से अपना काम कीजिए, ओके। इसको बंद करते हैं फिर चेक करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमने इसको पैक कर दिया है पूरा टेस्ट करने के बाद। इसका हमने माइक्रोवेव में मैग्नेट्रॉन चेंज कर दिया है। चलिए इसकी पावर प्लग ऑन करते हैं और अभी इसको ऑफ रखते हैं, क्योंकि पहले हमें अभी हम इसको सीरीज में चेक कर देते हैं। ये हमारा ऑन हो गया डिस्प्ले, देखिए। इसको 10 सेकेंड का टाइमर लगाएंगे और स्टार्ट करेंगे, तो सीरीज में भी हमारा बल्ब जल गया, ठीक है। इसको फिर से स्टॉप करेंगे, MCU ऑन करते हैं। ये एक सर्किट मैंने अपने खुद का हाथ का बनाया हुआ है, मेरा ये सर्किट, ठीक है, जिससे कि मैंने यहाँ MCB लगाया, अगर कोई भी इसमें ट्रिपिंग, कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये मेरी MCB ट्रिप कर देगा, ठीक है। बाकी सीरीज बल्ब और पावर बोर्ड, चलिए फ्रेंड्स उसको स्टार्ट करते हैं। पहले इसको चेक करने के लिए मैं एक थोड़ा सा डिस्पोजल ग्लास में पानी ले लेता हूँ, क्योंकि चेक करना है मुझे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पानी है ठंडा, कोल्ड वाटर, ठीक है। इसको गर्म होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसके अंदर रख दिया है, दरवाजा आराम से बंद करते हैं और इसको हम 30 सेकंड का टाइमर लगा करके स्टार्ट करते हैं। शूट ऑन टाइमर। अब ये 30 सेकंड का हमने टाइमर लगाया, देखते हैं क्या होता है। हमारा 30 सेकेंड टाइम पूरा हो चुका है और मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव ने भी बोल दिया कि आपका टाइम खत्म हो गया है। तो चलिए इसको, वाओ ये तो गर्म हो गया यार, देखो धुआं उठ रहा है, दिख रहा होगा आपको, देखो ये टेम्परेचर भी काफी हो गया इसका।